वाहेगुरु जी की फतेह। मैं स्वागत करने के लिए चौधरी रणजीत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आकर के एक मिनट। चौधरी रणजीत सिंह जी राहुल जी का स्वागत करेंगे। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री और मंच सम्मानित मंच, मैं आपका सिरसा आगमन पे आपका लोगों के हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से सिरसा में आपका स्वागत करते हैं। आपने जल्दी जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लेके फिर सब सिरसा शहर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करते हैं आप यहाँ पधारे, धन्यवाद। पंडित होशियारी लाल जी शर्मा से अनुरोध, स्वागत करें एक मिनट के लिए। ये आधी आबादी प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए साथियों, हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। मैं एक बार जोरदार साथ सभी साथ करूंगा कि राहुल गांधी जी का, गुलाम नबी आजाद साहब का, हमारे तमाम नेताओं का जो उनके स्वागत के लिए यहां पर खड़े हैं और पूरे यहां पर सिरसा पार्लियामेंट के कोने कोने से आए हैं, उन सब का बहुत बहुत यहां पर स्वागत करता हूं आप सब की तरफ से और आप सब का धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज हम जानते हैं कि किस तरीके से पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और खट्टर सरकार ने इस प्रदेश में, इस देश के अंदर किसान मजदूर गरीब हमारे बहनों हमारे नौजवान को त्रस्त करने का काम किया है। इसलिए साथियों, हम सारे साथी मिलकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश की जनता के सहयोग से 125 करोड़ जनता की सहयोग से केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों से बाहर करना है, जो किसान विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो विरोधी है, जो माताओं बहनों करते हैं, जो उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, उनका इस भारत वर्ष में कोई स्थान नहीं है। साथियों, आप सब इस बात को जानते हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जिन्होंने किसानों से बड़े बड़े वायदे किए, सत्ता में आने से पहले कहते थे कि हम किसान के कर्जे माफ कर देंगे, गरीब के कर्जे माफ कर देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा कि ये कर्जा माफी हमारी स्कीम में नहीं है। खट्टर साहब कहते हैं कि हम कर्जा माफी के खिलाफ हैं। साथियों, ये उद्योगपतियों के, महापूंजीपतियों के 5.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, लेकिन ये किसान गरीब का कर्जा माफ नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों ने जब जब किसान को जरूरत पड़ी, चाहे वो रूपावास का किसान हो, चाहे किसान हो, चाहे हरियाणा में जब जो रोहतक का किसान हो, कहीं का भी किसान हुआ, हुई उसकी फसल चली, उसकी फसल तबाह हुई, इन्होंने क्या दिया मुआवजा? मुआवजा इन्होंने 10-10 रुपए देने का काम किया। साथियों, इसलिए मैं तो आप सब से ये उम्मीद करता हूं कि ऐसा भद्दा मजाक करने वाली बेशरम सरकार को, बेशरम भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके के नेता कहते हैं, वो कहते हैं कि किसान बावले हैं, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि किसान बावले हैं, वो एक बार आपके बहकावे में आ गए। जब झूठ की आंधी चली 2014 से पहले, उस समय आपके बहकावे में आ गए। देश का किसान आपके बहकावे में आएगा, आपके आएगा ना मजदूर बहकावे में आएगा, ना छोटा दुकानदार बहकावे में आएगा। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सारे साथी मिलकर के उखाड़ फेंकेंगे। जो सौदा करते हैं भगवान का, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे ना सके की कीमत क्या जाने। ऐसी सरकार पिछले 5 वर्ष में इस देश में, इस प्रदेश में हमें मिली है और यहाँ का किसान है। मैं राहुल जी को बताना चाहूंगा कि सर, ये वो जिला है, ये सिरसा जिला, जिन्होंने जब हमारी सरकार थी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में,
मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यह वही जिला है जिसने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया। लगातार 3 बार हमने अवार्ड लिए, लेकिन पिछले 5 वर्ष में यहाँ का किसान कितना दुखी है, कितना परेशान है, वो ये जन सैलाब बताता है। जो किसान मजदूर यहाँ पर आए हैं आपका साथ देने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए, और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में इस तरह जो किसी को नहीं छोड़ती। हमने देखा कि किस तरीके से कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने सारी सीमाएं लांघने का काम किया। एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जिसने इस मुल्क के लिए शहादत दी, किस तरीके के विचार उन्होंने रखे के साथियों, ये भी आने वाले समय में जनता उनका जवाब देगी। और प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमें डिबेट दे, चुनाव दे। मैं आपको कहता हूं प्रधानमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से, कि आपने चैलेंज किया है, दो जो फेस बचे हैं, छठा चरण और सातवां चरण, हम उसी शहादत के, उसी किसान मजदूर, इस देश की जो आजादी की परंपरा रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, उसी के आधार पर आपसे चुनाव लड़ने का आपको ये हम चैलेंज करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हरियाणा की और सिरसा की जनता भी उसको कबूल करती है। साथियों, ये जिस तरीके का उपहास करने की कोशिश करी कल कुरुक्षेत्र और यहाँ पर फतेहाबाद में, माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे यहाँ पर, और साथियों फतेहाबाद में तो आप सबको पता है कि कुर्सियां खाली, तरफ लाखों की भीड़ राहुल गांधी जी के स्वागत में जो यहाँ पर खड़ी है, और कल वहां पर पूरी तरीके से वो नदारद रही। हम तो राहुल जी को कह रहे थे कि सर 2014 का जब चुनाव आया था, 2014 में 6 तारीख को इसी सिरसा की धरती पर आपकी रैली थी, और 7 तारीख को इन्हीं लोगों ने बात की, अकाली दल और इनेलो ने मिलकर के एक साजिश रची, और जो रैली मोदी जी की होनी थी उसको कैंसिल करवाया। ये हमेशा साठ गांठ की राजनीति करते हैं, और इसलिए पिछले 4-5 मुझसे पूछा, मैंने कहा कि मोदी जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आपसे, आप पिछली बार नहीं आए थे, हम हार गए थे क्योंकि आपने सेटिंग की थी, आप आएंगे सिरसा की ये सीट हम लाखों वोटों से जीतेंगे। और कल प्रधानमंत्री जी आए और ये जन सैलाब इस बात कि जो हमने कहा वो इन लोगों की मेहनत से, अथक प्रयासों से उस सीट को जीतने का काम करेंगे। कल कुरुक्षेत्र में जो मोदी जी का भाषण था आप सबने सुना होगा, वो क्या बोले, आधे घंटे 40 मिनट में से आधे घंटे वो ये बोलते रहे कि मुझे ये बोला कांग्रेसियों ने, मुझे साथियों ये बोला कांग्रेसियों ने। अरे प्रधानमंत्री जी, कभी आपने अपने गृहबान में झांक करके देखा कि आपने किस किस के बारे में क्या क्या बोला? आपने राजीव गांधी को नहीं छोड़ा, आपने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, आपने किसी और को नहीं छोड़ा, केवल आपने राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए, आपने तो सेना का भी राजनीतिकरण कर दिया। मैं सैनिक परिवार से हूं, ये सैनिकों की धरती हरियाणा है, हर 10वां सैनिक हमारा देश की फौज का हरियाणा से ताल्लुक रखता है, आपने उनको भी नहीं छोड़ा गया है, ये लोग भी आपको नहीं छोड़ेंगे, और आने वाले समय में राज बदल करके राहुल सरकार बनाएंगे, राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार होगी, और 3 महीने के बाद हमारे इस प्रदेश के अंदर सरकार होगी। साथियों, क्योंकि पहले से प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ है, हमारे आजाद साहब को बोलना है, आज हम सारे राहुल जी को सुनना चाहते हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात ना करके मैं इतना कहूंगा, राहुल जी 10 साल पहले आपने मुझे यहाँ पर भेजा था, मैं इस इलाके में नया था, ये मंच पे जो लोग बैठे हैं, सामने जो बैठे हैं, इन्होंने 10 साल पहले भी बड़े जुनून के साथ मुझे 28 दिन के अंदर चुनाव जिताया था, मैं ऋणी हूँ। और इसलिए जब भी कभी बात आती है, हमने कहा कि राहुल जी ने मुझे भेजा, सोनिया जी ने मुझे भेजा, अशोक तंवर जब तक जिंदा है इनकी सेवा करेगा और आखिरी सांस तक इनके लिए लड़ेगा। और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि जो आपने मुझे 5 साल पहले विधानसभा, राहुल जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, और इन्होंने कहा था कि अशोक में कि आने वाले समय में अगले 5 साल में इस हरियाणा का कोई ऐसा कांग्रेसी ना हो जिसको अशोक, ऐसा कोई रोड ना हो जिसके ऊपर अशोक तंवर और कांग्रेस पार्टी के साथी ना चले हो। हमने आपकी
हुए, पैदल यात्राएं करी, हमने साइकिल यात्रा करी, हमने आजाद साहब के नेतृत्व में बस यात्रा करी, हमने हर मुद्दे को लेकर किए। अगर पांच साल निभाई तो हरियाणा कांग्रेस ने निभाई, आपके सिपाही ने निभाई, इन साथियों ने निभाई और कांग्रेस को खड़ा कर दिया। आपके पास आज मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा यहां पर ये जनसैलाब है और ये आपको विश्वास दिलाता है कि आने वाले यहां से लेकर के हरियाणा में जहां भी आपने जो ड्यूटी लगाई है उसको हम अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। और आपके आशीर्वाद से जब मिले 2009 से लेकर के 2014 तक 45 रुपए के, मेरा कोई पिताजी मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण परिवार के नौजवान साथी को आपने NSUI का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, AICC का सेक्रेटरी बनाया, यहाँ का सांसद बनाया। और हमने उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि आपके सोनिया जी और सरदार मनमोहन सिंह से 45,000 करोड़, यहाँ से उप मुख्य प्रधानमंत्री रहे, यहाँ से कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इतने प्रोजेक्ट कोई नहीं लेके आया। आते तो हरियाणा का बेहतरीन रोड सिरसा संसदीय क्षेत्र में है, हिसार से लेकर के डबवाली, साथियों इसी तरीके से 3 नेशनल हाईवे, राहुल गांधी जी की देन है, सरदार मनमोहन सिंह जी की देन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट 23,502 करोड़ रुपए की लागत से वो काम जारी है, मनमोहन सिंह जी ने जिसका पत्थर रखा वो मोदी जी 2018 में कहते हैं कि मैं 19 से पहले मुझे उद्घाटन करना है। उद्घाटन करने का बड़ा शौक है मोदी जी को, लेकिन पैसे देने का शौक नहीं है, किसानों से छीनने का शौक है, किसानों को मजदूरों को देने का शौक नहीं है। और इसलिए मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि जो काम हमने शुरू किए आने वाले समय में ये राहुल जी उस न्यूक्लियर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। राहुल जी ने जो रेलवे लाइन सेंक्शन करवाई हिसार से लेकर के सिरसा वाया अग्रवा फतेहाबाद, और जिसका रूट होगा हमारे